सो गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में गाइज हम लोग बात करेंगे कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था मुझे इस चीज़ के बारे में कि कैनेडा में पढ़ाई किस तरीके की रहती है, हम लोग जो इंडिया में पढ़ते थे वो यहाँ पे काम आता भी है कि नहीं। बहुत ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो सोचा इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जाए। सो आज की वीडियो में गाइज मैं क्या क्या कवर करूँगा मैं वो आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इनटेक्स के बारे में बात करेंगे कि कैनेडा में कौन से इनटेक्स रहते हैं जब आप लोग एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें रहती है। जैसे अगर एक सब्जेक्ट लिया आप लोगों ने, उसके अंदर आपको किस तरीके से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, आपको एग्ज़ाम देनी पड़ती है, असाइनमेंट्स रहते हैं, क्विजेज रहते हैं, प्रेजेंटेशंस रहते हैं, प्रोजेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें किस तरीके के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, प्लस ये सारी चीज़ों के अंदर किस किस तरीके से आप लोग को क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, बिकॉज मेन तो वही है कि आपको क्या पूछा जाएगा। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, बिकॉज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, मैं अभी सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। सो मैं आप लोग को मेरा खुद का एक्सपीरियंस दूंगा किस तरीके का रहा है फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर। सो आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया लगेगा कि यहाँ पे किस तरीके का पढ़ाई का सिस्टम रहता है। सो अब ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कर दिया करो, अच्छा लगता है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूँ ना ये लाइन, अब शायद कुछ लोग पक गए ये लाइन सुन के, बट खैर फ्लो में आ गया है, ये बहुत टाइम से बोले जा रहा हूँ ना, तो ये लाइन मेरे फ्लो में आ जाता है, तो कर दो ना यार सब्सक्राइब। सबसे पहले गाइस हम लोग इनटेक्स के बारे में बात करते हैं कि कैनेडा में कितने इनटेक्स रहते हैं। बेसिकली गाइस कैनेडा में तीन इनटेक रहते हैं, ठीक है, विंटर, समर और स्प्रिंग। अब विंटर जो इनटेक रहता है वो रहता है जनवरी से और अप्रैल तक। फिर आता है हमारा समर इनटेक रहता है मई से अगस्त तक। और फिर जो स्प्रिंग रहता है वो रहता है सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है, तो ये इनटेक्स हो गए तीन हमारे। ठीक है, तो कनाडा में ये तीन ही इनटेक रहते हैं। अगर आप लोग विंटर्स में आ रहे हो तो इस शेड्यूल में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। अभी एक सेमेस्टर आपका मैक्सिमम यहाँ पे 3 से 4 महीने का रहता है, उससे ज़्यादा रहता नहीं है। और सेमेस्टर में किस तरीके से पढ़ाई करनी रहती है वो भी आप लोग को मैं बताता हूँ। ठीक है, बिकॉज था क्या, जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था तो वो ऑनलाइन चला गया। ठीक है, और ऑनलाइन में इतना ज़्यादा आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली एग्ज़ाम जब रहता है तो सारे फ्रेंड्स एक घर में आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के एग्ज़ाम देते हैं। सो ऑनलाइन अगर आपका पढ़ाई रहता है तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही आपका पूरा सेमेस्टर निकल गया। मेरा पहला जो सेमेस्टर था गाइज वो ब्लिंक ऑफ एन आई में निकल गया है। ठीक है, बिकॉज मैं जॉब्स ही करने जा रहा था, ये सब कर रहा था, पढ़ाई में कभी ध्यान दिया ही नहीं मैंने। सो पहला सेमेस्टर इस तरीके से निकल गया। अभी आया है मेरा सेकेंड सेमेस्टर, बट हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है गाइज वो ऑफलाइन है। ठीक है, तो ऑफलाइन में हम लोग को किस तरीके से पढ़ाई करनी रहती है। बेसिकली ऑनलाइन ऑफलाइन सेम रहता है, असाइनमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सब सेम रहता है। बट ऑनलाइन में इसलिए आप लोग को नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ऑनलाइन में आप लोग को इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ठीक है, चीटिंग हो जाएगी, चीज़ें यहाँ वहाँ से मिल जाती है आपको, बिकॉज क्लास जाना नहीं है, कोई आपको देखने वाला नहीं है, तो आप लोग ऐसे ऐसे करके सेमेस्टर निकाल दोगे। बट ऑफलाइन में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऑफलाइन में आप ऑनलाइन जैसा नहीं कर सकते। सो अभी आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मेरे दो सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, अब जो कॉलेज में रहते हैं उनका सिलेबस अलग रहता है, उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग रहता है, वो सारी चीज़ें अलग रहती है। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी का पासिंग मार्क है 70%। ठीक है, तो 70% से अगर आपके लो है दैट मीन्स आप वो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। आपको 70% से ज़्यादा ही लाना पड़ेगा अगर आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ाई कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक सिंपल सा फंडा है। अब दो सब्जेक्ट रहते हैं मेरे हर सेमेस्टर में। ठीक है, तो दो सब्जेक्ट से मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। एक सब्जेक्ट जो है वो मेरा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और दूसरा सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटेशनल मेथड्स एंड मॉडलिंग है, CMM। ठीक है, मैटलैब आता है उसके अंदर। अब ये दो सब्जेक्ट में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। अब जो मेरा EPM है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वाले सब्जेक्ट मेरा रहता है वीक में एक ही दिन रहता है गाइस। दोनों क्लासेस वीक में 2 दिन रहते हैं बस, एक सब्जेक्ट 3 घंटा, दूसरा सब्जेक्ट 3 घंटा। तो वीक में 6 आवर्स मेरे क्लासेस रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रहता मेरा कॉलेज से रिलेटेड। ना कि इंडिया जैसा कि हम लोग एवरी डे 8-8, 9-9 घंटे कॉलेज में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर नहीं रहता है। सो यहाँ पर वीक में आपको सिर्फ 6 आवर्स ही कॉलेज रहता है, और वो 6 आवर्स में भी कभी कभी तो सर जल्दी छोड़ देते हैं, तो 4-5 आवर्स ही कॉलेज रहता है वीक के अंदर। अब जब आप क्लास में जाते हो तो सबसे पहले गाइज मेरे हर एक क्लास के अंदर क्विजेज रहते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है फैकल्टी के ऊपर। ठीक है, इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन योर फैकल्टी, असाइनमेंट्स, क्विजेज, एग्जाम्स, ये सब आपके फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरा जो EPM है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये रहता है थर्सडे को शाम में। ठीक है, मेरे दोनों क्लासेज रात में रहते हैं, शाम में और रात में के आसपास। एक क्लास 4 o'clock से 7 o'clock तक का है, दूसरा है 7 बजे से रात में 9:50 तक का। तो इस तरीके से मेरे दोनों क्लासेज हैं। सो जब भी हम लोग क्लास में जाते हैं गाइज, तो जैसे क्लास में जाते हैं हमारा EPM में, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एवरी क्लास हमारा जो लास्ट लेक्चर जो रहता है उसका क्विज़ रहता है। बेसिकली क्विज़ में क्या रहता है, ट्रू और फॉल्स रहता है, नॉर्मल सी चीज़ें रहती है, वो स्लाइड में जो पढ़ाया था वो सारी चीज़ों को एक लाइन में या 4-5 पॉइंट्स के अंदर या फिर ट्रू फॉल्स सिस्टम के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ता है। सो ये रहता है क्विजेस का सिस्टम।
अब असाइनमेंट का क्या है गाइज, ये जो फैकल्टी है उसने 3 असाइनमेंट दे दी हम लोग को, पूरे सेमेस्टर में सिर्फ 3 असाइनमेंट है हम लोग को, और वो तीनों असाइनमेंट में एक असाइनमेंट इजीली आपको 1 से 2 दिन लगेगा करने के लिए, ठीक है, बिकॉज वो असाइनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें रहती है। और असाइनमेंट के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं असाइनमेंट के बारे में बता देता हूँ किस तरीके का रहता है यहाँ पे। सो 3 असाइनमेंट रहते हैं और तीनों के डेडलाइंस डेट्स सारा कुछ वो प्रोफेसर ने पहले ही दे दिया है। तो आप लोग असाइनमेंट करने के साथ साथ आप लोग मतलब आइडिया लगा सकते हो कब आपको असाइनमेंट करना है, कैसे करना है, बिकॉज वो सर बहुत फ्लेक्सिबल है। सो उसने जब सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तभी तीनों असाइनमेंट अपलोड कर दिए थे और डेडलाइन भी अपलोड कर दिया था, तो जब भी आपके पास टाइम हो आप लोग वो सबमिट कर सकते हो, चाहो तो तीनों असाइनमेंट अभी सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके का रहता है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। अब ये जो सारी चीज़ें रहती है ये आप ब्लैक बोर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग पोर्टल रहता है। अब जैसे मेरा जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वो है ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड पर जाके आप लोग को सब कुछ वहाँ आता है, मार्क्स वहाँ पे आते हैं, असाइनमेंट्स वहाँ अपलोड होते हैं, असाइनमेंट्स आप लोग को वहाँ पे अपलोड करने पड़ते हैं, डेडलाइन वहाँ पे रहता है, कोर्स का सिलेबस वहाँ पे रहता है, अटेंडेंस वहाँ पे रहती है। वैसे मेरे यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस नहीं है, बट ड्यू टू क्विजेज एंड ऑल वी हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी, वरना आपके उसके मार्क्स लूज कर दोगे, तो इस चक्कर में आप लोग को क्लास तो जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ना गाइस इंडिया जैसा नहीं है। सो इंडिया में जब मैं रहते थे 4-5 दिन जाते थे क्लास, ठीक है, 5 डेज तो हम लोग का एवरी वीक रहता ही था, सो 5-6 दिन जाते थे तो हेक्टिक हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी 2 दिन जाने पे भी लोड पड़ता है, ठीक है, सिर्फ आपको वीक में 6 आवर्स पढ़ना है तो कभी कभी 6 आवर्स पढ़ने का मन भी नहीं करता है। सो यहाँ पे पढ़ाई का सिस्टम उस तरीके का रहता है, बट पढ़ाई एकदम फ्लेक्सिबल है, इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं है आपके ऊपर, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में क्या होता था, फाइनल एग्ज़ाम देते थे और पास हो जाते थे, बट यहाँ पे इस तरीके का नहीं रहता। यहाँ पे आपको हर एक जगह पे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्विजेस में मार्क्स लाने पड़ेंगे, असाइनमेंट में लाने पड़ेंगे, बिकॉज अगर एक में भी लुढ़क गए, ठीक है, एक में भी अगर मार्क्स आपके कम आ गए तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है, बिकॉज इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके का रहा है ये आप लोग को बताता हूँ। क्विजेस 30% के रहते हैं गाइस, असाइनमेंट्स 20% के रहते हैं, फाइनल जो एग्ज़ाम रहती है वो 45% की रहती है, और दूसरे जो थोड़े मोटे जो क्लास एक्टिविटीज़ रहती है वो 5-10% की रहती है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेसर। ये जो मैंने आपको सिस्टम बताया ये हर एक क्लास में रहता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर कि प्रोफेसर किस तरीके से डिज़ाइन करता है, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ प्रोफेसर के हाथ में रहता है, ठीक है। अगर आप फेल हो रहे हो और आपको 5-7% चाहिए पास होने के लिए, और आप प्रोफेसर के साथ अच्छे रिलेशनशिप में हो या अच्छे टर्म्स में, मतलब आपका अच्छी बनती है प्रोफेसर से, तो चांसेस है वो आपको 5-7% देके पास कर दे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स एवरीथिंग ऑन द प्रोफेसर, प्रोफेसर अच्छा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर स्ट्रिक्ट है तो फिर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको क्लास जाना पड़ेगा, असाइनमेंट्स सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बट अगर प्रोफेसर बहुत लीनियंट है, एकदम रिलैक्स्ड आदमी है, सो आपका सब्जेक्ट ईजिली स्मूथली निकल जाता है। बिकॉज कभी कभी क्या रहता है गाइस कि प्रोफेसर जो रहता है ना, अगर उसको लगता है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है या थियोरिटिकल बहुत ज़्यादा है, तो अगर प्रोफेसर अच्छा है तो क्या बोलेगा, एग्जाम के टाइम पे ओपन बुक रखेगा, बुक देख के आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ये एक काफ़ी सही रहता है, बिकॉज मेरा जो प्रोफेसर है वो इस तरीके का ही है। अगर उसको लगेगा बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है तो बोलेगा ओपन बुक एग्ज़ाम दे दो, विच इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल गाइस। अगर आपको ओपन बुक रहता है तो ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, थोड़ा बहुत ग्लांस मार के आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बट अगर प्रोफेसर स्ट्रिक्ट है तो एग्ज़ाम भी टफ रहेगा, प्लस ओपन बुक भी नहीं रहेगा। सो इस तरीके का सिस्टम रहता है यहाँ पे। अब ये मेरे यूनिवर्सिटी का सिस्टम है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, वीक में 6 आवर्स रहता है। बट अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो सिस्टम अलग रहता है, ठीक है, बिकॉज जो कॉलेज जाते हैं वो लोग एवरी 5 डेज जाना पड़ता है कॉलेज, वीक में 5 दिन वो कॉलेज जाते हैं 4-4, 5-5 घंटे के लिए, ठीक है। और कॉलेज में सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा रहते हैं, मेरे 2 सब्जेक्ट हैं, मेरे फ्रेंड्स के 4-5 सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। सो 4-5 सब्जेक्ट जब रहते हैं गाइस, वर्कलोड बढ़ जाता है, असाइनमेंट बढ़ जाते हैं, क्विजेज बढ़ जाते हैं, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट के क्विज रहते हैं, हर एक सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स रहते हैं, इस तरीके का सिस्टम रहता है, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और जब एग्ज़ाम आएगा तब तो पूरा वीक आपका हेक्टिक जाएगा, बिकॉज हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग एग्ज़ाम रहता है, अलग अलग तरीके से पढ़ाई करना पड़ता है। सो इस तरीके का गाइस सिस्टम रहता है यहाँ पे, एजुकेशन सिस्टम। बट अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, मतलब अगर आप लोग वीक के अंदर 4-5 आवर्स में बैठ जाते हो तो आप इजीली असाइनमेंट्स कंप्लीट कर दोगे, क्विज में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपके सिलेबस भी आप अच्छा खासा कर सकते हो। बिकॉज जो लेक्चर रहता है ना गाइस, वो भी सारा ब्लैक बोर्ड के ऊपर आ जाता है। ब्लैक बोर्ड मतलब ऑनलाइन जो पोर्टल रहता है, मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल रहता है, तो वहाँ पे आपके लेक्चर में जो आपको पढ़ाया है वो सारा कुछ वहाँ पे अपलोड हो जाता है। अभी तो क्लासेस ऑफलाइन है इसलिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड होते हैं, बट पहले जब ऑनलाइन था तब प्रोफेसर के वीडियोज़ ये सारी चीज़ें भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपलोड हो जाती थी। क्लास में क्या पढ़ा रहा है सब कुछ वो ब्लैक बोर्ड पे अपलोड हो जाता था। तो आप लोग को अगर क्लास अटेंड नहीं भी करते हो तो बाद में जब भी आपके पास टाइम हो आप लोग वो वीडियोज़ देख के
पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम रहता था ऑफलाइन और ऑनलाइन में। उसके अलावा गाइस रीडिंग वीक भी रहता है। अब रीडिंग वीक में क्या होता है, जब भी आपके कोई मिड टर्म आते हैं या कोई फाइनल एग्जाम रहती है, उससे पहले वन वीक आपको रीडिंग के लिए देते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो वीक के अंदर क्लासेस नहीं रहते, असाइनमेंट्स नहीं रहते, कुछ नहीं रहता है। वो वीक सिर्फ वो लोगों ने आपको पढ़ने के लिए दिया है और वो वीक के अंदर आप लोग फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। फॉर 40 आवर्स यू कैन वर्क। वैसे तो आप लोग वीकली 20 आवर्स ही काम कर सकते हो, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, बट उस वीक में आप 40 आवर्स प्लस कर सकते हो, या 40 आवर्स तक रखो तो ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गाइज। उसके अलावा गाइज सब्जेक्ट वेरी करता है किस तरीके, मैंने जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को बताया है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट पे रहता है, ठीक है। अगर कोई सब्जेक्ट आपकी लैब वाली है, ठीक है, सिर्फ लैब है, तो उसमें सिर्फ आप लोग को लैब जाना है। लैब में जो भी आपको बताया गया है एक्टिविटीज़, वो सारी चीज़ें लैब में करनी पड़ेगी आप लोग को, प्रोजेक्ट्स ये सब लैब में रहता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोग को लैब में। अगर कोई सब्जेक्ट है जो थियोरिटिकल है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट में लैब्स नहीं रहेंगे, वो सब्जेक्ट में सिर्फ असाइनमेंट्स रहेंगे, एग्जाम्स रहेंगे। उसके अलावा अगर प्रोफेसर क्विजेज रखना चाहता है तो रख सकता है। सो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट का सिस्टम एक जैसा रहता है, बट क्विजेज असाइनमेंट्स ये सब तो यहाँ पर नॉर्मल है, ठीक है। कैनेडा में हर एक यूनिवर्सिटी में भरपूर क्विजेज असाइनमेंट्स रहते हैं। सो आप लोग मतलब बिजी रहोगे ये सब चीज़ें करने में, ठीक है। पहले जब मैं पढ़ता था गाइज एवरी वीक असाइनमेंट आता था, ठीक है। लास्ट सेमेस्टर में जो मेरा एक सब्जेक्ट था उसमें एवरी वीक नए नए असाइनमेंट आ रहे हैं, बट ये सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। ये सेमेस्टर में सिर्फ 3 असाइनमेंट है एक सब्जेक्ट में, और दूसरे सब्जेक्ट में तो असाइनमेंट्स ही नहीं है, बट प्रोजेक्ट है। सो इस तरीके का रहता है। इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड द प्रोफेसर एंड सब्जेक्ट का करिकुलम किस तरीके का है, उसने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। उसके अलावा गाइज एक और चीज़ बतानी है, ठीक है। अगर आप कोई सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो आप लोग को यहाँ पे $5,000 पे करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मेरे यूनिवर्सिटी में किस तरीके का सिस्टम है मैं आप लोग को वो बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आप लोग को बताया 70% पास होने के लिए हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट में मेरे 75 है और दूसरे सब्जेक्ट में 67% है, ठीक है। तो ये जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ये आप यूनिवर्सिटी में 2 बार यूज़ कर सकते हो ये टेक्निक, ठीक है। सो आप लोग क्या कर सकते हो, आप वैसे ही पास हो जाओगे। अगर एक में आपके 75 है, 70 प्लस है, तो और दूसरे में 67 या 65 के आसपास है, तो आप लोग वो सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, भले ही 70% पासिंग है। बट 2 बार से ज़्यादा आप ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। एक सेमेस्टर में आपने यूज़ किया, उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में भी आपने इसी तरीके से यूज़ किया कि एक में 75 था और दूसरे में 60 से थोड़ा, मतलब 60-65 के बीच में है, आप फिर से पास हो जाओगे। बट अगर फिर से थर्ड सेमेस्टर में यही चीज़ हुई, सो आप फेल हो जाते हो और आप लोग को कुछ अराउंड $5,000 के आसपास पे करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। तो इस तरीके का यहाँ पे सिस्टम रहता है। अगर आप फेल हो जाओगे तो ऐसी हालत हो जाएगी। सो ये था गाइज आज का वीडियो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जो जो चीज़ें मुझे बताने लायक लगी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहता है, प्रोफेसर पे क्या क्या चीज़ें डिपेंड करती है, कितने दिन कॉलेज रहता है अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, और अगर आप कॉलेज में लेते हो तो किस तरीके का रहता है, प्लस लोड कहाँ पे कम रहेगा ज़्यादा। लेकिन लोड तो डिपेंड करता है गाइज आपके ऊपर है, वो तो आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो। अगर आप लोग एवरीडे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो एंड में लोड इतना नहीं आएगा, बट अगर एंड में एकदम आएगा, एकदम पढ़ना पड़ेगा, तो फिर लोड बढ़ जाता है। सो कैसा लगा ये वाला वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।